और इसी को लेकर हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं क्या कुछ जो है। और आज देखिए मनोज, 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है झारखंड वासियों को। खासकर देखिए कोडरमा गया वंदे भारत ट्रेन को भी जो है हरी झंडी दिखाई पीएम नरेंद्र मोदी ने। देखिए आज का मौसम खराब रहा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी जमशेदपुर पहुंचकर सड़क मार्ग से। एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है आज का दिन। देखिए निश्चित तौर पे आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन तो रहेगा ही, और लोग याद भी करेंगे कि एक प्रधानमंत्री ऐसा कि जब झमाझम बारिश हो रही थी, और बारिश ऐसा नहीं कि आधे घंटे एक घंटे बारिश, सुबह 5 बजे से जो बारिश शुरू हुई है, जो अभी तक बारिश हो रही है, लेकिन उसी बीच प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हैं, और जनता भी यहाँ का वही कि जनता उनके इंतजार में और भींगते हुए गोपाल मैदान पहुंचा। आपको बता दें कि अभी पूरा जमशेदपुर अस्त व्यस्त हो चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। ज्यादातर तो लोग वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए, क्योंकि लोग भीड़ इतनी थी कि लोग सड़क पे ही रह गए। कुछ लोग सड़क की जो गली है, बाजार की जो गली है, उसमें ही लाइन में लगे रह गए, वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब आप समझ लीजिए कि इतनी बारिश, और बारिश के बीच अगर कोई प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अगर पहुंचता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी, पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो 2.5 घंटे का सफर सड़क मार्ग से तय कर कार्यक्रम स्थल पहुंचा, तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि ऐतिहासिक दिन रखा। दूसरी तरफ जहां तक सौगात की बात है, तो बड़ी सौगात उन्होंने दी भी है। 6 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखा दिया, हालांकि ऑनलाइन ही सही, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी बारिश के कारण वो स्टेशन नहीं पहुंचे, लेकिन जब गोपाल मैदान पहुंचे तो यहां पर सीधे तौर पे परिवर्तन रैली को जो इन्होंने संबोधित किया, वो साफ तौर पे यहां संकेत दे दिया कि परिवर्तन इस बार झारखंड के चुनाव में जरूर दिखेगा। और वही चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चंपाई सोरेन का नाम उन्होंने लिया और कहा कि ये चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपमानित किया है, और इस अपमानित सिर्फ इन्हीं को नहीं, पूरे आदिवासी समाज को हुआ है, हर व्यक्ति को दर्द है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा संकेत इन्होंने दे दिया है, और संकेत ही नहीं, अब यहां से जो परिवर्तन रैली है उनका, जिसका आगाज उन्होंने किया, वो अब दिखने लगा है प्रधानमंत्री। बिल्कुल मनोज, देखिए जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, सौगातों की बारिश हुई, जनसभा को संबोधित किया, और भी ढेर सारी बातें हुई, और उन्होंने कहा बहुत लोगों को संबोधित करते हुए, लोग भी पहुंचे हुए थे उनको देखने के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए। और वही हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी कोलान के लोगों को निराश नहीं किए, पहुंचे सड़क मार्ग से इस बारिश में और जनसभा को संबोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।